2 जून की रोटी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे आदिम जाति विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आदिम जाति कल्याण विभाग संघ के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में सभी कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई। साहिदुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। हम बता दें, प्रदेश सहित जिले में कार्यरत समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन आहरण का आदेश प्रसारित करने व कार्यभारित आकस्मिकता निधि के पद पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित स्थापना के पद पर पदस्थापना देने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके तहत अपनी 2 सूत्री मांगों के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग में 3 वर्ष से लगातार कार्यरत चतुर्थ श्रेणी मजदूर दर पर और कार्यरत कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन आहरण का आदेश जारी करने एवं कार्यभारित आकस्मिकता निधि के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार नियमित स्थापना के पद पर पदस्थापना करने मांग रखी। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी। की तरफ से हमारे 2 मांग है प्रमुख। एक है जो विगत 3 साल 5 साल 10 साल से मजदूरी दर में कार्यरत उसको आज तक कलेक्टर दर में कोई आदेश नहीं दिया गया। दूसरा मांग है 30 साल 35 साल हो गया कार्यभारी आकस्मिक में, उसको निर्मित पद मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला है। उसको पद ही नहीं निर्मित बोल रहा है अधिकारी, उसको निर्मित पद का प्रधान होना चाहिए, प्रधान ही नहीं है, नहीं है बोल रहा है। विकास भैया ने पहले ही बताया है कि हमारा जो मुख्य मांग है वो है कि बहुत टाइम से मतलब 10-15 साल से कर्मचारी मजदूरी दर में ही काम कर रहे हैं, उनको ना उनके पास ना कोई आदेश है ना कुछ नहीं है। ऐसे में तो उनका पूरा जीवन जो है मजदूरी दर में गुजर जाएगा, ना तो उनको नियमितीकरण का लाभ मिलेगा और ना तो उनका सैलरी अच्छे से बढ़ पाएगा। तो जो मजदूरी दर में कर्मचारी है उनको नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी बात है, इस हमारे ट्रेबल डिपार्टमेंट विभाग में प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं है, तो प्रमोशन का रास्ता खोले ताकि हम लोग को भी प्रमोशन का लाभ मिले। हमारे विभाग को छोड़ के बाकी सब विभाग में प्रमोशन होता है, लेकिन हमारे विभाग में प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, नियमित पद नहीं होने के कारण या स्थापना नहीं करने इसी कारण जो है हम लोग का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो आज के दिन हम लोग पूरे प्रदेश भर में आज ही के दिन और एक ही समय में पूरे प्रदेश भर में सभी कलेक्टर ऑफिस में जाके कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं। विभाग कर्मचारी संघ 30183 जो कि प्रांत स्तर पर मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कार्यालय दुर्ग में उपस्थित हुए हैं। हमारा आज का जो रैली निकला था उसका शीर्षक था 1 जून को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष। जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी समस्याएँ हैं जिससे कर्मचारियों को 2 जून की रोटी का भी परेशानी सामना करना पड़ता है, जिसके निराकरण की मांग को लेकर आज हम जिला कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। और इस मांगों में 3 मांगों को लेकर हमने फोकस किया था, जैसे कि हमारे कार्यालय में 3 साल 5 साल 10 साल 17 साल ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जिनको कि कलेक्टर दर का भी आदेश प्रसारित नहीं किया गया है, दैनिक वेतनभोगी में ही कार्यरत है, उनको कलेक्टर रेट का आदेश प्रसारित किया जाए। साथ ही कर्मचारियों को जो भी नियमित है उनको भी पदोन्नति के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। अन्य विभागों की तुलना पे हमारे ही समकक्ष शिक्षा विभाग है जो हमारे विभाग से ही अलग होकर बना था, जैसे बालोद में जहाँ भी है वहाँ उनको पदोन्नति मिल गई है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में पदोन्नति के नाम पर इसका कोई निराकरण नहीं किया गया है, जिसका कि मांग हमने शासन के पास रखा है। साथ ही शासकीय अवकाश का एक बड़ा समस्या है हमारे साथ। अन्य विभागों में शासकीय अवकाश प्रदान किया जाता है जबकि हमारे विभाग में शासकीय अवकाश का प्रावधान नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि अगर हमें शासकीय अवकाश का अगर पात्रता नहीं है तो हमें अन्य विभागों की तुलना में 1 माह का एक्स्ट्रा वेतन दिया जाए, जिससे कि हम कर्मचारियों पर जो मानसिक दबाव रहता है वो कुछ हद तक दूर हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।